अंबेडकर नगर का आगाज। अंबेडकर नगर निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है और इस विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ के सांसद रितेश पांडे। मैं रितेश पांडे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सच्च निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रितेश पांडे जी शुरू से ही जनता और समाज के हित के लिए काम करते आ रहे हैं। जिले के बेहतर विकास के लिए श्री पांडे जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाएं, युवा, बुनकर, किसान, दलित जैसे हर वर्ग के लिए काम किया है। श्री रितेश पांडे जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं। जिस तरह से, जिस बेबाकी से ये बात अपनी सदन में रखते हैं, हमारे क्षेत्र क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत में कोई सांसद इतनी बढ़िया अपनी बात नहीं रखता है। ये हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय रितेश पांडे जी जो हैं, जनता के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं। जब तक क्षेत्र में रहते हैं और कभी भी किसी बाजारों से गुजरते हैं तो पैदल गुजरते हैं। सभी सब्जी वालों से, ठेले वाले से, खुलचे वाले से मिलते हुए नहीं गुजरते हैं। विकास के प्रति जिस तरह से उनका समर्पण है, और स्पेशली गोरखपुर लिंक वे पर कटका बाजार में जिस तरह से उनके द्वारा रैंप का निर्माण, हर गांव में, हर पूर्वे में जिस तरह से पुलियों का निर्माण कराया उन्होंने, उनके इस कार्य की हम भूर भूर प्रशंसा करते हैं। कोरोना काल के समय में जब देश में लोगों की मौतें हो रही थी, पैसे के अभाव में लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही चलकर अपने अपने घर को पलायन कर रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मरीजों की जान जा रही थी, उस वक्त रितेश पांडे ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, जनरेटर लगवाए, जरूरतमंद लोगों को फ्री मेडिसिन और राशन पहुंचाया। जिला अस्पताल अंबेडकर नगर में ऑक्सीजन प्लांट जो माननीय हमारे सांसद श्री रितेश पांडे जी द्वारा प्रयास करके लगवाया गया है, इससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। मेरा नाम घनश्याम यादव है, मैं ब्लॉक बेटी के आसगांव क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं 15 मार्च 2020 को दिल्ली नौकरी करने के उद्देश्य से गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वहां 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसको खाने पीने की परेशानी होने लगी और काम भी नहीं कुछ हो पा रहा था। तो हमारे क्षेत्र के कई ऐसे नेता हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। फिर मैंने माननीय सांसद श्री रितेश पांडे जी से संपर्क किया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे बात की और मेरे पेटीएम अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफर किया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे राशन किट उपलब्ध करवाई और अम्बेडकर नगर लाने के लिए साधन उपलब्ध करवाया। अम्बेडकर नगर की सड़कों और गलियों तक बिजली पहुँचाने के लिए 1300 सोलर लाइट, इलेक्ट्रिक पोल लगवाए और बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाए, जाम से निजात दिलाने व आवागमन सुविधा के लिए अंडरपास, ओवरब्रिज और लोगों को चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण कराया। हम लोगों के लिए यह दिक्कत थी, रोड में अंडरपास नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने कोशिश किया और सांसद रितेश पांडे ने हम लोगों की बात सुनी और अच्छा काम किए और रोड हम लोगों को अंडरपास मिला। माननीय श्री रितेश पांडे जी हमारे सांसद हैं, जो हमारे सुख सुविधा के लिए अंडरपास जो है करवाए हैं। इससे हम लोगों की बड़ी समस्या होती थी कृषि के लिए, इस बगल से उस बगल जाने के लिए सुविधा भी की है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ साहब, हमने के लिए बहुत बढ़िया सांसद जी रास्ता बना दिया है, ना कि हम लोगों के आई जाए बहुत दुश्वार रहा है। बहुत अच्छा काम करे ना हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा हुआ। मांगलिक कार्यों के लिए जिले में बारात घर का निर्माण करवाया। माननीय रितेश पांडे जी ने जब से यहाँ सांसद हुए हैं, हमारे नागपुर में ये बारात घर बनवाए हुए हैं, तब से हमें यहाँ कोई भी शादी विवाह, कोई भी कार्यक्रम करना रहता है, बहुत अच्छी सुविधा हमें मिलती है। अकबरपुर मालीपुर रोड को पास करवाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया। हमारे मालीपुर मार्ग पर मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्री रितेश पांडे जी, लोकसभा में कई बार इसकी मांग किए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया।
रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए गोंडा बनारस इंटरसिटी और सरयू यमुना एक्सप्रेस का स्टॉपेज अकबरपुर में बढ़ाया गया। जिले के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए स्कूलों में फ्लोरिंग, बाउंड्री वॉल, शौचालयों को बनवाकर विद्यालयों का नवीनीकरण करवाए। अंबेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय बनवाने हेतु निर्माण प्रस्तावित करवाए। हमारे सांसद माननीय रितेश पांडे जी के सतत प्रयास से जनपद अंबेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए नक्शा पास हो चुका है, जिसके खुलने से जनपद अंबेडकर नगर के बच्चों को अच्छी व बेहतर शिक्षा यहीं प्राप्त होगी, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिले के विद्यालयों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक करने जैसे कृत्य को आपराधिक कानून की श्रेणी में लाने और कठोर दंड के प्रावधान की मांग कर रहे हैं, जिससे कि युवाओं के भविष्य को बचाया जा सके। सरकार से हम सभी छात्रों की अपील है कि जो पेपर लीक करता है उसके ऊपर सजा का सख्त प्रावधान करें, ताकि हम छात्रों का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है वो उज्जवल रहे। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु अंबेडकर नगर में क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन दौड़ करवाया और लोगों से पराली न जलाने की अपील की। इस मैराथन में हजारों युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। दौड़ में लगभग 5,000 बच्चे प्रतिभाग करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे हर न्याय पंचायत से बच्चे निकल करके आए और नौजवान साथी निकल करके आए और इस रेस में पार्टिसिपेट करके जागरूकता प्राप्त करें। जो जागरूकता फैला रहे हैं वायु प्रदूषण या जलवायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पे जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इनकी फुटबॉल अकेडमी है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां के प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय सांसद रितेश पांडे अकबरपुर अंबेडकर नगर द्वारा एक फुटबॉल एकेडमी चलाई जाती है, जो एकेडमी अकबरपुर अंबेडकर नगर के लिए है और इसमें बच्चे फ्री एजुकेशन एंड फ्री फुटबॉल ट्रेनिंग माननीय सांसद जी द्वारा दिया जाता है। यहाँ से बच्चे आगे निकल भी रहे, जैसे इंडिया टीम के लिए भी एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है, अरमान अहमद। आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम आशा हैं, गांव में काम करते हैं सर, हम लोग को काम का मानदेय सही से नहीं मिलता है, हमारे ऊपर समस्या रहती है सर कि हम लोग रात बिरात को जाते हैं और हम लोग के साथ कोई अच्छू नहीं हो रहा, हम लोग को मानदेय के लिए रखा जाने तो हम लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं, महिलाओं को सहयोग देना पड़ता है और बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। जिले के बुनकरों की समस्या जैसे GST को हटाने और बिजली दरों को कम करने के लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं। हम बुनकर समाज बहुत महंगाई, जब से महंगाई बहुत है इसलिए बहुत परेशानी है हम लोगों को, और सरकार ने GST जब से लागू कर दिया तब से समझ लीजिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बिजली की भी बहुत समस्या रहती है। किसानों की फसलों को टिड्डी दल से बचाने हेतु सरकार के सामने अपनी मांग रख रही है। समस्या यही है, महंगाई लग रही है, 50 किलो खाद पहले मिल रही थी, अब 45 किलो की खाद दे रहे हैं लेकिन दाम दे रहे हैं 50 किलो का। पिछड़े अल्पसंख्यक और जरूरतमंद छात्रों के मासिक छात्रवृत्ति के लिए सरकार से पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। हमारे पाल समाज के लिए रितेश पांडे सांसद जी लोकसभा में आवाज उठाते रहते हैं। हमारा मेन कमाई का जरिया भेड़ पालन है, भेड़ पालन है, उसके लिए उनका जो ऊन काटा जाता है वो ऊन अच्छी तरह से बाजारों में बिक नहीं रहा, बिक भी रहा तो उनका अच्छी तरह से दाम नहीं मिल रहा, और सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसकी सही से सही कीमत हम लोगों को मुहैया कराया जाए। रामगढ़ से लेकर जलालपुर तक रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर थी और इस पे आज तक किसी ने नहीं ध्यान दिया और माननीय हमारे रितेश पांडे सांसद जी द्वारा जो ये सड़क का निर्माण हुआ, आज उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी जनता। आज तक इस पे इस सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था और हमारे सांसद जी द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया। सांसद रितेश पांडे कई महीनों में अंबेडकर नगर के लिए खास है। सांसद रितेश पांडे ने अंबेडकर नगर की जनता की आवाज और जन समस्याओं को संसद में मुखरता से रखा। 2019 में बारिश की वजह से और उसके बाद भीषण गर्मी पड़ने की वजह से फसलों पर फफूंदी लगी थी। पिछले साल जो है टिड्डी दलों का एक अटैक हुआ था, इसका प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन है।
मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने जिन ग्रामों को चुना था, जहां पे पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ होना चाहिए था, वहां तक में इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। मेरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जहां देश की एक पांचवा हिस्सा रहता है, वहां पे तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी की नौकरियों को भी आउटसोर्स कर दिया गया है पूरी तरह से। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाए। तकनीकी मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज, क्रिप्टो, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस में भारत और अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व अमेरिका से जापान तक किया। सांसद रितेश पांडे ऐसे ही समाज हित में कार्य करते हुए अंबेडकर नगर को नई ऊंचाई प्रदान करते रहेंगे।